बाड़मेर जोधपुर राजमार्ग पर स्थित केएन ऑयल एंड गैस के एजीआई 1 के निकट गुरुवार को जिला प्रशासन की ओर से ऑफसाइट इमरजेंसी रिस्पांस ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर लोक बंधु और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा की अगुवाई में मॉक ड्रिल की गई। केएन ऑयल एंड गैस के मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल में आग लग जाने की स्थिति में सफलतापूर्वक काबू पाने का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केएन बाड़मेर प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर बीएस शेखावत, फील्ड जनरल मैनेजर और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सरहदी बाड़मेर में केएन वेदांता की एक साइट पर भीषण आग की सूचना से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिले के आला अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राष्ट्रीय राजमार्ग को तुरंत बंद करवाया गया। घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि वो एक मॉक ड्रिल थी। गुरुवार को बाड़मेर के जिप्सम होल्ड के पास भीषण आग की सूचना कंट्रोल रूम और जिला प्रशासन को दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए बाड़मेर जिला कलेक्टर लोक बंधु, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा मौके पर पहुंचे। साथ ही फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन दमकल भी मौके पर पहुंचे। जिला प्रशासन की सूचना पर आधा दर्जन एम्बुलेंस भी घटनास्थल पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि आग की सूचना केएन वेदांता कंपनी के मॉक ड्रिल का हिस्सा थी। हालांकि मॉक ड्रिल की सूचना पाकर बाड़मेर प्रशासन ने राहत की सांस ली, लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही बंद करवाए गए बाड़मेर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मॉक ड्रिल के दौरान बाड़मेर के नागाणा सदर और ग्रामीण थाने का जाप्ता मौके पर पहुंचा। मौके पर केएन वेदांता के आला अधिकारी भी पहुंचे। मॉक ड्रिल के तहत और केएन ऑयल एंड गैस के मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल से गुजरात क्रूड परिवहन करने वाली दुनिया की सबसे लंबी सतत ऊष्मीय पाइपलाइन में लीकेज, तेल का रिसाव, उसकी सूचना प्रसारण और उसके बाद उसमें आग लग जाने की स्थिति में ही सफलतापूर्वक काबू पाने का प्रदर्शन किया गया। ये पूर्व नियोजित ड्रिल सभी स्टेक होल्डर्स की तैयारियों को परखने के लिए की गई थी। इस दौरान केएन बाड़मेर प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर बीएस शेखावत, फील्ड जनरल मैनेजर और अन्य अधिकारी सहभागी बने। ड्रिल के दौरान सभी अग्निशमन यंत्र, वाटर कम फॉर मॉनिटर, SCBA सेट, फायर सायरन और फायर इंजन ने बखूबी काम किया। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए ऑयल स्पिल रिस्पांस टीम, वैक्यूम ट्रक, इमरजेंसी क्लैप मोबिलाइज किए गए। पाइपलाइन में तेल रिसाव होने से लगी आग की सूचना से टर्मिनल और प्रशासन एकदम हरकत में आ गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर कंपनी के अधिकारियों और इंजीनियर्स के साथ प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी दिखाई। सूचना पर फायर ब्रिगेड, जिला अस्पताल से चिकित्सक के साथ एम्बुलेंस, नागाणा थाना प्रभारी मय जाप्ता और अन्य अधिकारी पहुंचे। इस बीच MPT और अन्य स्थानों से मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की ओर से आग बुझाने, अस्पताल से आई एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने सहित अन्य आवश्यक सेवाओं का रिहर्सल किया।